अगर आप दीव आना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट लेके भी आ सकते हैं, बट वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो अगर आप टाइम और पैसा दोनों बचाना चाहते हैं तो बेस्ट चाहिए कि अहमदाबाद तक फ्लाइट में आए, और उसके बाद आप वहाँ से ओवरनाइट बस कर सकते हैं या टैक्सी करके आ सकते हैं, या उससे भी अच्छा है कि आप सोमनाथ तक ट्रेन में आए और वहाँ से कोई लोकल बस या टैक्सी कर कर आप दीव जा सकते हैं, क्योंकि सोमनाथ से दीव का डिस्टेंस अराउंड 84 किलोमीटर है। जो इंसान शांत जगह ढूंढता है घूमने के लिए, आराम करने के लिए, तो उसके लिए जगह सही है। और ये सर्किट हाउस है हमारा, और उसी के सामने यहाँ का प्राइवेट बीच। बस अभी पहुँचे हैं और दारूबाजी की दारू शुरू होने वाली है। हम अपना दीव का टूर यहाँ के फोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आप पीछे जो किले की दीवार और मेरे बीच में जो स्पेस देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली पानी भरा जाता था मगरमच्छों के साथ, ताकि दुश्मन को आने से रोका जाए किले में। ये जो आपको बीच में एक इमारत दिखाई दे रही है समुद्र के अंदर, एक्चुअल में ये एक लाइट हाउस है। अभी हम नावडा गुफा में एंटर कर रहे हैं। हाय गाइस, यहाँ पे बाहर थोड़े आशिक भी बैठे हुए हैं गाने में डूबे हुए। ये गुफाएं एक्चुअली पानी के बहने से कटकर बनी है। ये गुफाएं अभी जितनी अच्छी लग रही हैं, बारिश के टाइम पर ये उतनी ही खतरनाक और भयानक हो जाती हैं, और यहाँ पर अगर कोई इंसान फंस जाए तो उसकी जान आराम से जा सकती है। अभी हम चक्रतीर्थ बीच पे हैं। ये बिल्कुल ही शांत और साफ सुथरा बीच है। भीड़ के नाम पे बहुत ही कम बंदे नजर आएंगे आपको, सिर्फ दो चार। और ये हमारी पलटन। बीच वाकई में बहुत साफ है और पानी भी बहुत ठंडा है। अभी हम INS कुकरी मेमोरियल पर जा रहे हैं। हवा अच्छी है, सबसे अच्छी बात जो हमें यहाँ के बीच में मिली अभी तक।
कि सब साफ सुथरे हैं और कोई ख़ास कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ इसका। और यही वो शिप है जिसकी मेमोरियल में ये जगह बनाई गई है। ये यहाँ का डायनासोर पार्क है छोटे बच्चों के खेलने के लिए। अभी हम दीव के सबसे मशहूर बीच नागवा बीच पे आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत साफ सुथरा है, तो चलिए इसकी सैर करते हैं। यहाँ पर जो एक अलग सी चीज़ है, यहाँ के नारियल के पेड़ ये कुछ अलग ही तरह के हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी शांत सा बीच है, साफ शांत। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स। अभी हम यहाँ आगे सैंडी पार्क जो कि एक जंगल टाइप रिजॉर्ट है वहाँ पे जा रहे हैं। नज़ारा वाकई में अच्छा है। यहाँ की बर्ड सेंचुरी है और ये जो बीचों बीच नदी बह रही है इसका लुक बहुत ही ऑसम आ रहा है। अब हम दीव से निकल रहे हैं। शराब पीने वालों के लिए जन्नत है, बहुत सस्ती दारू मिलती है यहाँ पर, लेकिन स्नैक्स के नाम पे यहाँ पे आपको चिप्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और जूस तो पूरे दीव में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, गिर और जूनागढ़, और वहाँ से फिर हम अहमदाबाद जाएंगे।